हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 131। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में से फोटोसिंथेसिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट वन इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, यूं तो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में आज के टाइम में सब कुछ पता है, काफ़ी कुछ चीज़ें रिसर्च की जा चुकी है, बट आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के रिसर्च चालू हुई। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा कुछ लिखा है वहाँ पर, बस उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनसीईआरटी से बाहर हम यहाँ पर नहीं जा रहे। बेसिकली काफ़ी चांसेस रहते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में से भी क्वेश्चंस आने के, क्योंकि साइंटिस्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था अलग अलग, वो सब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम पहले से पढ़ चुके हैं कि दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। वर्ड को भी अगर मैं आप स्प्लिट करके सिखाना चाहूँ आपको, तो ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी खुद से, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद फूड का सिंथेसाइज करते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और एग्जाम्पल हमें पता है प्लांट्स होते हैं, और ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस से ऐसा करते हैं जिसे हम कहते हैं फोटो सिंथेसिस। तो याद रखिएगा, फोटो सिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी एक फिजिकल प्रोसेस प्लस एक केमिकल प्रोसेस। इसके कॉन्ट्रेरी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, और इनमें आते हैं हमारे सारे एनिमल्स। ये कुछ डायरेक्ट मैं जो अगर आपको सिखाना चाहूँ तो फोटो सिंथेसिस क्या है, कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो दोनों ही इनऑर्गेनिक है, ये दोनों मिलकर आपस में रिएक्ट करके प्लांट्स में ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके साथ में रिलीज होता है ऑक्सीजन। ये बेसिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में हम बेसिकली कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करके बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, CO2 इनऑर्गेनिक है गैस है, वाटर इनऑर्गेनिक लिक्विड है, और इन्होंने रिएक्ट करके क्या बनाया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ग्लूकोज। ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। ये एक लाइन है एनसीईआरटी से, वो ये कह रहे हैं कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, गलत है नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे। प्लांट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सनलाइट पे। तो बेसिकली अल्टीमेट सोर्स क्या हो गया, फूड का, सनलाइट। अब सनलाइट का ये फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो प्राइमरी सोर्स सभी फूड का फोटोसिंथेसिस ही है, अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा दूसरा जो सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंस है वो है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है, और इस ऑक्सीजन की वजह से बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं इस प्लेनेट पे। आपको पता होगा जब एवोल्यूशन हुआ था, एवोल्यूशन के वक्त जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू हुआ, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनती गई, जिसकी वजह से बाकी सभी लिविंग फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ। तो फोटोसिंथेसिस के ये दो सबसे मेन इंपॉर्टेंस रहते हैं। चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले क्लोरोफिल यानी एक पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, फिर सनलाइट, और उसके बाद में कार्बन डाई ऑक्साइड। तो अब हम शुरू करेंगे कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्चेस करते करते फोटोसिंथेसिस के बारे में सारी डिटेल्स जुटाई। ठीक है, अभी तो हम सब कुछ जानते हैं, ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं, सनलाइट के बारे में जानते हैं, बट कैसे धीरे धीरे साइंटिस्ट ने ये सब चीज़ें प्रूव की, ये हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा व्हाट इज स्टार्च आयोडीन टेस्ट। स्टार्च आयोडीन टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी फूड सब्सटेंस जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर उसके ऊपर हम आयोडीन डालें तो वो पर्टिकुलर पार्ट ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। इस पोटैटो को देखिए आप, इस पोटैटो में पर्टिकुलर इस पार्ट पे स्टार्च पे क्या डाला गया था, आयोडीन, जिसकी वजह से ये पार्ट कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। ये सबसे बेसिक टेस्ट है स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने का। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी ने केवल इतनी सी लाइन लिख के छोड़ दिया है कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले वेरीगेटेड लीफ किसे कहते हैं, वेरीगेटेड लीफ एक ऐसी लीफ है जिसपे दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक ग्रीन पार्ट और एक नॉन ग्रीन पार्ट, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। बीच में ये लीफ ग्रीन है लेकिन साइड वाइज ये येलोइश है। क्यों है ऐसा, अभी की अगर हम बात करें तो ये इसलिए ऐसा है बिकॉज बीच में प्रेजेंट है क्लोरोफिल और साइड में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो ग्रीन नहीं होता। अब मैं जब इस लीफ पे स्टार्च डालूँ, जब इस लीफ पे मैं आयोडीन डालूंगा, तो
केवल और केवल जो बीच वाला ग्रीन पार्ट है यानी दिस पार्ट, यहीं पे केवल ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा मुझे, बाकी साइड वाइज मुझे ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। अगर क्लोरोफिल ज़रूरी नहीं होता तो हमें साइड में भी ब्लू ब्लैक कलर मिलता, यानी यहाँ पर भी ब्लू ब्लैक कलर मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जिसकी एनसीईआरटी बात करता है वो है एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप टेस्ट। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हमने एक लीफ लिया और लीफ के कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोगों ने एक ब्लैक पेपर रख दिया। इसके बाद हमने जब इस पर सनलाइट डाली तो सनलाइट डालने के बाद में फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होने के बाद में हमने इस लीफ पे डाला आयोडीन चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर स्टार्च बना है। अब देखिए बेसिकली फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जब हमने आयोडीन डाला इस लीफ के ऊपर तो वो वाला पार्ट जहां पर पेपर प्रेजेंट था ब्लैक पेपर, वहां पे स्टार्च हमें टेस्ट में पॉजिटिव नहीं मिला, और जहां पर पेपर नहीं था केवल वहीं पे मुझे ब्लू ब्लैक कलर मिला। क्या रीज़न इसका? इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर पेपर स्ट्रिप प्रेजेंट थी वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँची। जब इस पर्टिकुलर एरिया में सनलाइट नहीं पहुँची तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ और ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। अब इस टेस्ट से हम क्या प्रूव कर रहे हैं? इससे हम ये प्रूव करते हैं कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा मैं, ये है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह से था कि हमने एक प्लांट की एक लीफ को जो मोर देन हाफ पार्ट उसका मैंने एक बीकर में डाल दिया या टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उस टेस्ट ट्यूब के मैंने अंदर मैंने रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अब जब मैंने इसको सन में एक्सपोज किया, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होगा, और कुछ टाइम बाद में जब मैं इस लीफ पर आयोडीन डालूंगा तो लीफ का वो पार्ट जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जबकि वो पार्ट जो बाहर था उसमें ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, लाइट की अगर मैं बात करूं तो सनलाइट इस पार्ट पे भी आ रही है और सनलाइट इस पार्ट पे भी आ रही है, जबकि लीफ के इस पार्ट में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, उसका रीज़न ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ CO2 एब्जॉर्बेंट। अगर हमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो हमने वहाँ पर KOH का ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि हम KOH को यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब मैंने इस बीकर में कार्बन KOH डाला तो इस KOH ने इसके अंदर प्रेजेंट सारी CO2 को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। अब जब CO2 एब्जॉर्ब हो गई तो उस पर्टिकुलर पार्ट में लीफ के इस पार्ट को CO2 नहीं मिला, और CO2 नहीं मिला तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और फॉर्मेशन नहीं हुआ स्टार्च का, इसलिए ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रहा। तो इस टेस्ट से हम क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं हम कि CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 नेसेसरी नहीं होता तो लीफ के वो उस पार्ट में जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है या जो उस बॉटल के अंदर है वहाँ पे भी स्टार्च बनता और ब्लू ब्लैक कलर हमें मिलता। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसकी एनसीईआरटी में बात की गई है वो बात की है प्रिस्लीज एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये प्रिस्ली का। प्रिस्ली, याद रखिएगा, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में। जब आप केमिस्ट्री में ऑक्सीजन पढ़ेंगे तो आप इस साइंटिस्ट का नाम ज़रूर सुनेंगे। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट देखिए, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था इनका। इन्होंने एक जार लिया, उसको बंद किया और उसके अंदर एक माउस और एक कैंडल को छोड़ दिया। अब इस जार के अंदर जो इनिशियली ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उस ऑक्सीजन की वजह से माउस सर्वाइव कर रहा था और कैंडल भी की फ्लेम भी जल रही थी। देखिए बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी तो कोई चीज़ बर्न नहीं हो सकती। बट कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो क्या होने लगेगी? डिप्लीट। क्यों डिप्लीट होने लगेगी? क्योंकि माउस भी उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है और वो कैंडल भी जलने के लिए उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद में प्रिस्ली ने ये देखा कि माउस की भी डेथ हो गई और वो जो कैंडल है वो भी बुझ गई। प्रिस्ली ने बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को वापस किया और इस बार उसने यहाँ पर एक मिंट प्लांट को भी यहाँ पर रखा। ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट में कुछ टाइम बाद में जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो जो माउस है वो सफोकेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई और कैंडल बुझ गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने एक मिंट प्लांट यहाँ पर यूज़ किया। देखिए बकायदा एनसीईआरटी में मिंट प्लांट का नाम लिखा हुआ है। एनसीईआरटी, देखिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छा मंत्र बताता हूँ पढ़ने का। आप जब भी बुक पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, आप चाहे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बुक्स को कभी भी अखबार की तरह रीड आउट नहीं करना है कि बस पढ़ा और छोड़ दिया।
बुक्स में खासकर एनसीईआरटी में एक एक लाइन और एक एक वर्ड को अच्छे से आप पढ़ें, इतना फोकस करके पढ़ेंगे तभी आपको एक एक चीज़ वहाँ पर क्लियर होगी। एनसीईआरटी ने बकायदा लिखा है कि प्रिस्टले ने मिंट प्लांट का यूज़ किया था। अब देखिए, जब हमने कुछ टाइम बाद में रिजल्ट देखा तो माउस भी सरवाइव कर गया और उसके साथ साथ कैंडल भी बर्न कर रही थी, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अभी के रेफरेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका रीज़न ये था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ऑक्सीजन बना रहा था और ये ऑक्सीजन माउस कंज्यूम कर रहा था और यही ऑक्सीजन से कैंडल भी क्या हो रही थी, लिट हो रही थी, कैंडल भी वहाँ पर जल रही थी, इसलिए कैंडल नहीं बुझी। और माउस और कैंडल दोनों, जब कैंडल जल रही थी तो CO2 प्रोड्यूस होता है और माउस भी जब ऑक्सीजन इनहेल करता है तो CO2 एक्सपायर करता है, जिसकी वजह से ये CO2 प्लांट्स ने लिया और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था। तो ये तीनों एक दूसरे का हेल्प करते हुए तीनों सर्वाइव कर गए। बट जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब ना हम ऑक्सीजन के बारे में जानते थे ना हम CO2 के बारे में जानते थे, प्रिस्टली को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो जो प्रिस्टली ने जो अपना इन्फ्रेंस निकाला, वो इन्फ्रेंस उन्होंने कुछ ऐसा निकाला कि पहले एक्सपेरिमेंट में माउस और कैंडल दोनों कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे थे जिसकी वजह से ये दोनों बाद में खत्म हो गए। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत माउस और कैंडल दोनों को थी वो धीरे धीरे वहाँ पर ख़त्म होती गई। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद में प्रिस्टले ने एक चीज़ बोल दी कि जिस चीज़ की ज़रूरत माउस और कैंडल को थी वो चीज़ उनको कहाँ से मिल रही थी, प्लांट्स से। ध्यान रखिए, उस वक्त हमें ऑक्सीजन CO2 के बारे में पता नहीं था, इसलिए NCERT ने ये लाइन लिखी कि प्रिस्टले की एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस ये था कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। मतलब प्रिस्टले ने ये कहा था कि प्लांट्स एयर में वो चीज़ वापस डालेंगे जो एनिमल्स ब्रीथ करते वक्त या कैंडल्स बर्न करते वक्त हटा देते हैं, यानी बेसिकली वो बात कर रहे थे ऑक्सीजन के। फिर धीरे धीरे रिसर्चेज और आगे बढ़ी और फिर बाद में पिक्चर में आए जैन इंजनहाउस, और जैन इंजनहाउस ने बाद में प्रिस्टले के ही एक्सपेरिमेंट को एक नए तरीके से किया। उन्होंने क्या किया, सेम सेटअप लिया और उस सेटअप को बाद में डार्क में यानी लाइट की एब्सेंस में किया। जब इंजनहाउस ने ये चीज़ लाइट के एब्सेंस में की, डार्क में की, तो उसने ये देखा कि माउस सफोकेशन की वजह से डेड हो गया और कैंडल भी बुझ गई। बाद में जैन इंजनहाउस ने ये एक्सपेरिमेंट वापस किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि माउस भी जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। तो जैन इंजनहाउस ने ये बोला कि ये जो भी चीज़ रिलीज हो रही है प्लांट्स से जिसकी वजह से माउस और कैंडल सर्वाइव कर रहे हैं, वो चीज़ केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में बनता है, डार्क में नहीं बनता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जो एनसीईआरटी का लाइन है वो ये है कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और द ब्रीदिंग एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स जो एयर को फाउल कर रहे हैं, उस एयर को फाउल करने में जो चीज़ वहाँ पे हो रही है, तो प्लांट में एक ऐसा प्रोसेस है जो उस फाउल एयर में से उस फाउल पार्टिकल्स को निकाल रहा है और बदले में कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जो माउस और कैंडल को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, और वो प्रोसेस केवल और केवल सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। बाद में इंजनहाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हुए एक काम किया, एक बॉटल के अंदर एक एक्वाटिक प्लांट लिया और उसके अंदर पानी डाला और उसको रख दिया डार्क के अंदर। सेम सेटअप को उसने रखा लो लाइट के अंदर यानी नॉर्मल रूम लाइट के अंदर, और सेम सेटअप को उसने तीसरे केस में रख दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर उसने रिजल्ट्स देखे, तो जो उसने रिजल्ट देखा, तब रिजल्ट में उसने ये देखा कि सबसे पहले केस में इस लिक्विड के अंदर उसको किसी भी तरह के गैस बबल्स नहीं मिले। ध्यान रखिएगा, हमें अब तक इंजनहाउस के इस एक्सपेरिमेंट के टाइम तक ऑक्सीजन की बात किसी ने भी नहीं की थी। जब लो लाइट में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि कुछ गैस बबल्स उसको उस वाटर के अंदर देखने को मिले, और यही एक्सपेरिमेंट जब उसने पूरे सनलाइट में किया तो उसको बहुत सारे गैस बबल्स यहाँ पर देखने को मिले। तो उसने एक बात कह दी कि कुछ गैस प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस में जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और बाद में उसने इन बबल्स को कह ही दिया कि ये ऑक्सीजन के बबल्स है। बिल्कुल, जैन इंजनहाउस ने ही बाद में
कहा था कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये ऑक्सीजन के बबल्स है और पिछले साइंटिस्ट ने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। अब जैन इंजनहाउस का इन्फ्रेंस क्या था, उसका इन्फ्रेंस डायरेक्ट था कि सनलाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पे जब हम चले तो हम लोग बात करेंगे जूलियन वॉन सैक की। देखिए मैं आपको जितने भी साइंटिस्ट के मैंने अब तक नाम लिए उन सब की मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया है, आपको कोई नहीं पूछेगा नीट में फोटोग्राफ दिखा के ये कौन साइंटिस्ट थे, बट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मैं यहाँ पे इनकी फोटोग्राफ लगा रहा हूँ ताकि हम याद रखें इन साइंटिस्ट को, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, जो इन्होंने इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन किया इन द फील्ड ऑफ साइंस। जूलियस वॉन सैक ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे काफ़ी, बट ये एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो हम लोग को एनसीईआरटी ने नहीं ज़्यादा डिटेल में दिया है तो हम लोग भी नहीं पढ़ने वाले, हम लोग बस उसके इन्फ्रेंसेस क्या थे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 1854 में जूलियन वॉन सैक ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया था कि प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये ग्लूकोज बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यस, जूलियन वॉन सैक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जूलियन वॉन सैक की अगर लिटरेचर पढ़े हम लें तो उन्होंने उसमें ये लिखा था कि प्लांट्स के अंदर जो कुछ ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं, ये ग्रीन सब्सटेंसेस कुछ स्पेशल बॉडीज होती है प्लांट सेल्स के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल बॉडी जिसके अंदर प्रेजेंट है कुछ ग्रीन सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस करेगा। उस ग्रीन सब्सटेंस को हम आज किसके नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल के नाम से, और वो स्पेशल बॉडीज को हम आज बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, लेकिन उस वक्त तक इन दोनों नामों का डिस्कवरी नहीं किया गया था। और उसने ये भी बताया था कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन था जूलियन वॉन सैक का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा तो अब हम बात करेंगे TW Engelmann की। देखिए TW Engelmann ने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के काफ़ी अच्छा इमेंस कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया प्रिज्म को, फिजिक्स में पढ़ा होगा हमने प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप एक साइड से वाइट लाइट डालोगे तो उसके सेकेंड साइड से वो वाइट लाइट जो है अपने स्पेक्ट्रम को शो करती है, मतलब कि वो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड होती है, पढ़ा होगा आपने प्रिज्म फिजिक्स के अंदर। अब उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक प्रिज्म यूज़ किया, उस प्रिज्म से लाइट को उसने 7 पार्ट्स में डिवाइड करवाया और बाद में उसके आगे उसने एक एल्गी जिसका नाम है क्लेडोफोरा, उस क्लेडोफोरा एल्गी का ग्रोथ किया। अब ये क्लेडोफोरा एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी होगा। अब एंगलमैन ने इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए। अब देखिए एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ करने से क्या हुआ, अब एरोबिक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में जब उसने साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जमा हुए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जमा हुए वो थी रेड स्पेक्ट्रम की लाइट या फिर ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट। आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा बैक्टीरिया का, देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया का नंबर बहुत कम है और यहाँ पर बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा है, जो इस बात को प्रूव कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, रेड लाइट और ब्लू लाइट वाले एरिया में। और ये ही सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस का। एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ज़रूर देखिएगा वो। देखिए एक्शन स्पेक्ट्रम उसको कह रहे हैं हम लोग कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन है वो लाइट के कौन से स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम और कौन से में मिनिमम करते हैं। तो आज के टाइम पे हमें अच्छे से पता है कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और उसकी रिसर्च की शुरुआत की थी एंगलमैन ने, और उन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन किया था कि एरोबिक बैक्टीरिया ने मैक्सिमम ग्रोथ दिया है हमें रेड लाइट और ब्लू लाइट एरिया में, जो इस बात का प्रूफ है कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेड और ब्लू लाइट में हो रहा है, इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन बनता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। फिर और आगे बढ़ूंगा मैं, उसके बाद में आए कॉर्नेलियस वॉन नील और उन्होंने भी बहुत बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स में। वो बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। देखिए उनकी ये लाइंस सुनेगा, ये सारी लाइंस और ये इक्वेशंस हमने एनसीईआरटी में से ली है। उन्होंने एक इक्वेशन बनाई और उन्होंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है लाइट की प्रेजेंस में। अब ये कंपाउंड में से एक कंपाउंड होगा CO2 और एक कंपाउंड होगा हाइड्रोजन डोनर,
अब जैसे इस केस में H2A को उन्होंने बोला हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, A इज एनीथिंग, A कैन बी एनी एलिमेंट, यानी वो ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर बना रहा है H2A। अब ये H2A एक्ट करेगा हाइड्रोजन डोनर की तरह और ये अपना हाइड्रोजन देगा CO2 को और CO2 बनाएगी कार्बोहाइड्रेट। अब H2A किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A के अंदर, यानी उसने हाइड्रोजन लॉस किया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, यानी कि एक हाइड्रोजन डोनर कंपाउंड का होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें से H2 निकलेगा और ये H2 जाके किसके साथ कंबाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब जब भी H2 या हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन, यानी कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बनाएगा कार्बोहाइड्रेट और एक हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट। अब उनकी जो लाइन थी जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो ये लिखा है कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके अंदर एक सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो सके, वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकलेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड एक हाइड्रोजन डोनर है, जो प्लांट्स की बात करूं मैं तो ये वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर जब H2 डोनेट कर देगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो पीछे क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन। और यही मैं बात करूं पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की जिस पे वॉन नील ने बहुत काम किया था, तो उस केस में ये जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2O नहीं होकर क्या है, H2S, और H2S में से जब हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे CO2 को तो पीछे क्या बनेगी, सल्फर गैस। तो यस, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो ऑक्सीजन नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, सल्फर। और इस तरह के फोटोसिंथेसिस को हम आज के टाइम पे कहते हैं नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और जो प्लांट्स करते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा जब एवोल्यूशन हुआ था तो एवोल्यूशन में सबसे पहले नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स आए थे और बाद में आए थे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था वॉन नील का। अब वॉन नील का इन्फ्रेंस बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन वाटर से आता है ना कि CO2 से। नीट का एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो कई बार नीट में रिपीट होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से आती है या CO2 से आती है। तो ये प्रूफ करने वाले कौन थे, कॉर्नेलियस वॉन नील। अब ये तो वॉन नील ने प्रूफ किया किसके थ्रू, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के थ्रू। बट इसका एक और प्रूफ जो हम आज के टाइम पे देते हैं वो देते हैं हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से। व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक मास ज़्यादा एटॉमिक मास वेरी करता है। अब एक हैवी आइसोटोप होता है और एक लाइट आइसोटोप होता है। हैवी आइसोटोप उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको इससे प्रूव करना चाहूँ तो देखिए, पहले केस में मैं क्या करूँगा, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मैंने ऑक्सीजन लिया वो ऑक्सीजन नॉर्मल O16 की जगह हमने क्या ली, O18, यानी उसका हैवी आइसोटोप। और बाद में जब मैंने रिएक्शन करवाई तो इससे क्या बनेगा, ऑब्वियसली ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और जब मैंने देखा, मैंने ट्रेस किया कि वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कहाँ गई, तो वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मुझे किसके अंदर मिली, ग्लूकोज के अंदर, जो ये प्रूफ करते हैं कि वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कहाँ से आई है, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज़ की थी। तो ये प्रूफ कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन तो ग्लूकोज में जाएगा। सेकेंड केस में मैंने उल्टा कर दिया, इस बार मैंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन किस में डाला, वाटर के अंदर, और जब मैंने वापस उसको ट्रेस किया तो वो मुझे मिला ऑक्सीजन के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो रिलीज होता है वाटर में से ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में से। और आज के टाइम पे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से बनता है ऑक्सीजन। तो फाइनली इतने सब एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस करने के बाद हम लोग एक फाइनल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पे पहुंचे, और वो रिएक्शन ये थी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में वाइट लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ग्लूकोज बाद में स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पर जाकर स्टोर होता है। तो ये इंट्रोडक्शन था फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। आप अच्छे से अब एनसीईआरटी खोलो और अच्छे से ये पहले जो स्टार्टिंग में इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो सब यहाँ से स्टडी करो, आपको सारी लाइंस यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, कीप स्टडिंग हार्ड।